नमस्कार, आप देख रहे हैं MSN इंडिया। होली के महापर्व पर प्रधानों के मन की बात जानने के लिए हमारे रिपोर्टर रवि कुमार त्रिपाठी जब पहुंचे साहबगंज ग्रंथ के प्रधान सुदेश कुमार से जानकारी ली। जानकारी में बताया कि हमारे यहाँ की जनता बड़े धूमधाम से होली का महापर्व मनाती है और हमारी ग्राम पंचायत में शांति व्यवस्था रहती है और हमारे पुलिस चौकी थाना प्रभारी का बहुत ही सहयोग प्रदान होता है। इसी के साथ सभी देशवासियों व क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं भी सभी लोगों को दी कि होली का त्यौहार बड़े अच्छे से मनाएं और कोरोना से भी थोड़ी दूरी बनाएं। आइए वार्ता करते हैं ग्राम प्रधान। प्रधान जी, क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत है? सुदेश कुमार, प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? साहबगंज ग्रंथ, विकास खंड मोहम्मदी। होली का महापर्व आ रहा है जी। आजकल सभी थाना प्रभारियों ने जो है बुलाकर पीस कमेटी की मीटिंग की है और उसमें बताया है शांति व्यवस्था को लेकर, तो आपके यहाँ शांति व्यवस्था को लेकर कैसे पर्व मनाया जाता है, क्या आपके संदेश हैं? पर्व शांतिपूर्ण मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से भी मनाया जाता है जी। क्या व्यवस्थाएं हैं होली को लेकर के? व्यवस्थाएँ, होलिका दहन होता है जी। होलिका दहन के बाद में रंग उत्सव होता है। रंग उत्सव होता है तो आप इतनी नीची सीढ़ी के डंडे से, नीचे स्थल से कैसे उठे आप आगे, कैसे प्रधान बने? प्रधान क्या, पहले से सोच आदमी को बनानी पड़ती है जी। धीरे धीरे नीचे से चढ़ता है, ऊपर तक जाता है जी। जब हमारी नीतियाँ अच्छी थी इसीलिए हमको पब्लिक ने चाहा। तो अब आप पब्लिक के लिए क्या करेंगे? कर रहे हैं कार्य, जो उचित कार्य होगा वो सब करेंगे। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं होली के महापर्व पर? होली के सभी ग्राम पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, वा देशवासियों को भी जी हार्दिक शुभकामनाएं, पूर्वक त्यौहार मनाएं जी। कुछ नया बताना चाहेंगे होली के पर्व के बारे में? नया क्या बताना चाहें, वही चल रहा है।